नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम मेजेरियम होम्योपैथिक दवा के फायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाए। तो आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले लक्षण में त्वचा पर ऐसी फुंसियाँ जो सूख कर पपड़ी बन जाती है और जिनके नीचे पस जमा हो जाता है। त्वचा के किसी भी भाग पर फुंसियाँ हो जाए जो फैल कर एक पपड़ी सी बन जाए जिसके नीचे पस जमा हो जाए, इस पपड़ी के नीचे सफ़ेद शहद जैसा पस इकट्ठा हो जाए, तो ऐसे में मेजेरियम होम्योपैथिक दवा का स्मरण करना चाहिए क्योंकि इस दवा से ऐसा स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, ऐसी फुंसियाँ ठीक हो जाती है। दूसरा लक्षण, सिर पर पपड़ी जमना जिसके नीचे पस हो, इसमें यह स्पेसिफिक दवा है और त्वचा के रोग के दब जाने से उत्पन्न रोग। कई बच्चों के सिर पर मोटी चमड़े सरीखी पपड़ी जम जाती है जिसके नीचे सफेद शहद सरीखा मवाद जमा हो जाता है। इस पपड़ी में बच्चों के बाल चिपक जाते हैं और बच्चा बहुत गंदा प्रतीत होता है। इन फुंसियों पर की पपड़ी चौक जैसी सफेद होती है जिसके नीचे कीटाणु जमा होते हैं। कभी कभी यह पपड़ी सारे सिर को भर लेती है और सिर पर टोपी सी लगती है जिसके नीचे पस भरी होती है, उस पर सिर के बाल चिपके होते हैं। इसे अंग्रेजी में कैरियन कहते हैं। सिर की पपड़ी के नीचे मवाद का लक्षण ग्रेफाइटिस होम्योपैथिक दवा में भी होता है। डॉक्टर टाइलर का कथन है कि इस रोग में मेजेरियम स्पेसिफिक दवा का काम करता है। यद्यपि होम्योपैथी में स्पेसिफिक नाम की कोई भी चीज नहीं होती, तो भी कई ऐसे रोग हैं जिनमें सब रोगियों में लक्षण एक से होते हैं। हनीमैन का कथन था कि कीटाणुओं के रोगों में जिनमें रोग का कारण सब में एक समान हो, लक्षण एक से हो, रोग की प्रगति भी एक समान हो, उनमें होम्योपैथी के स्पेसिफिक दवा को ही ढूंढना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, उक्त रोग में मेजेरियम स्पेसिफिक ही समझना चाहिए और यह स्पेसिफिक दवा की तरह ही काम करता है। इस प्रकरण में डॉक्टर डनहम का अनुभव का उल्लेख करना असंगत ना होगा, जिससे स्पष्ट होता है कि त्वचा के रोग दबकर अनेक प्रकार के नए रोग उत्पन्न कर देता है और इस प्रकार के रोगों में भी मेजेरियम बहुत लाभप्रद है। मैं एक केस की चर्चा कर रहा हूं कि एक रोगी 4 वर्ष की अवस्था से बहरा था। बड़े होने पर उसके बहरेपन के कारण उसे कोई नौकरी नहीं देता था। जब अपने बहरेपन से वह इतना दुखी हो गया कि घर वालों से भी जुदा जुदा रहने लगा, किसी से मिलता जुलता नहीं था। डॉक्टर डनहम के पास वह इलाज के लिए गया। उसके ऐसे कोई लक्षण नहीं थे जिनसे आधार पे यह डॉक्टर डनहम को चूज करें दवा कि कौन सी दवा उसको बहरापन में दिया जाए, ऐसा कोई लक्षण ही नहीं मिल रहा था। तो हनीमैन का एक बार कथन था कि जब रोगी के लक्षण स्पष्ट ना मालूम पड़े तब उसके इतिहास को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। इस इतिहास में रोग का कारण छिपा हो सकता है जिसके आधार पर दवा का निर्वाचन किया जा सके। जब इस रोगी का इतिहास पूछा गया तब पता चला कि बचपन में उसके सिर में फुंसियाँ होती थी, पपड़ी जम जाती थी, उसके नीचे मवाद भरा रहता था। एलोपैथिक इलाज से उसके सिर पर तारकोल की टोपी चढ़ाई गई। जब तारकोल की खोपड़ी के बालों को जकड़ लिया तारकोल ने, तब उसे जोर से उतारा गया। इससे सिर की सारी पपड़ी निकल गई। उसके बाद सिर पर सिल्वर नाइट्रेट लगा दिया गया। इसी से सिर का मवाद तो चला गया, परंतु बालक तब से निपट बहरा हो गया। सिर की मवाद भरी पपड़ी के इस इतिहास के आधार पर डॉक्टर डनहम ने उसे मेजेरियम 30 की एक मात्रा दी। इस एक मात्रा के प्रभाव यह हुआ कि 21 दिन बाद उसे थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ने लगा। फिर 6 दिन बाद इस दवा की 30 शक्ति की दूसरी मात्रा दी गई। फिर कई महीने के बाद तीसरी मात्रा। अंत में रोगी बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल उसे सुनाई देने लग गया। इससे स्पष्ट है कि कितने ही साल क्यों ना बीत जाए, रोग की शुरुआत में रोगी को जो दवा दी जानी चाहिए थी उसके देने से सालों बाद भी रोग ठीक हो जाता है।
इस रोगी को 4 वर्ष की अवस्था में जब सिर पर पपड़ी जमने उसमें मवाद पड़ने की शिकायत हुई थी तब मेजेरियम देना चाहिए था, वह नहीं दिया गया। तेज दवाओं से उसका रोग दबा दिया गया परंतु सालों बाद मेजेरियम से उसका नया रोग पूरी तरह से दूर हो गया। असल में दब जाने पर रोग जो नया रूप धारण करता है वह रंग रूप में भिन्न होने पर भी पुराने रोग का ही नया रूप होता है, इसलिए इस नए रूप में भी उसे वही दवा ठीक करती है जो शुरू शुरू के रोग को दूर करती, अर्थात उसी समय उसे मेजेरियम देना चाहिए था परंतु नहीं दिया गया। पर बाद में भी अगर मेजेरियम दिया जाए तो जो दूसरा रोग उत्पन्न हुआ है वह भी ठीक हो जाता है। फोड़े फुंसी त्वचा के रोग दबने पर अनेक रोग खड़े हो जाते हैं, दिमाग तक पर इनका असर हो जाता है, उसमें भी यह दवा लाभप्रद है। अगला लक्षण एक्जिमा की दवा। ऐसा एक्जिमा जो जमी हुई पपड़ी सरीखा हो जिसके नीचे मवाद जमा हो जाए वह कहीं भी क्यों ना हो शरीर पे, उनमें मेजेरियम होम्योपैथिक दवा लाभ करता है। अगला लक्षण त्वचा में स्नायविक खुजली, नर्वस फीलिंग्स ऑफ इचिंग। कभी कभी किसी प्रकार की फुंसी आदि के ना होने पर भी रोगी को त्वचा में जबरदस्त खुजली होने लगती है। रोगी बिस्तर में गया नहीं या गर्म कमरे में पहुंचा नहीं कि उसे खुजली शुरू हो जाती है। वह एक जगह खुजलाता है, खुजली दूसरी जगह होने लगती है। जितना खुजलाता है उतना खुजली बढ़ती जाती है। खुजलाते खुजलाते त्वचा लाल और नर्म पड़ जाती है। यह स्नायविक खुजली होती है, जहां खुजलाता है वहां लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। इस औषधि का त्वचा पर विशेष प्रभाव है, इसलिए यह खुजली तथा पहले जिन फुंसियों का वर्णन किया गया है उसमें यह औषधि बहुत ज्यादा लाभप्रद है, तो यह खुजली में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगला लक्षण घुटने के नीचे की हड्डी टिबिया में दर्द। इस औषधि का जैसे त्वचा पर प्रभाव है वैसे हड्डियों के दर्द पर भी प्रभाव है। घुटने के नीचे की हड्डी टिबिया के दर्द पर यह विशेष प्रभाव पड़ता है और इस दवा से ऐसी समस्या भी ठीक हो जाती है। अंतिम लक्षण बता रहा हूं, दांतों का एकदम क्षय। इसके दांत निकलते ही सड़ने लगते हैं, जिनके भी दांत ऐसा हो कि निकलते ही सड़ जाएं। पहले दांतों का इनेमेल खुरदरा हो जाता है फिर उतर जाता है, दांतों की जड़ सड़ने लगती है, तो दांतों में स्टेफिसग्रिया क्रियोजोर तथा थूजा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और दांतों के एकदम क्षय हो जाए, दांत खराब हो जाए, सड़ने लगे तो मेजेरियम होम्योपैथिक दवा भी बिल्कुल लाभ करता है। शक्ति की बात करें तो 6, 30 और 200 पोटेंसी में बिल्कुल इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लक्षण मिले तो आप 30 पोटेंसी से बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार 2 बूंद जी पर आप टपका सकते हैं और 10 दिन अगर 30 पोटेंसी लीजिए, अगर आपको लाभ मिलना शुरू हो जाए तो आप एक डोज 200 पोटेंसी की सिर्फ 2 बूंद जी पर टपका लिया कीजिए और फिर 2-3 दिन दवा को ना ले और फिर 2-3 दिन बाद से 30 पोटेंसी का इस्तेमाल वैसे ही करें, तो आपका करीब करीब 1 महीने में आप देखेंगे समस्त लक्षण मैंने बताए हैं वो करीब करीब पूरी तरह जड़ से ठीक हो जाएगा। तो पहले 30 का इस्तेमाल कीजिए या 6 CS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लो पोटेंसी में, जैसे थोड़ा सा फायदा होता नजर आए एक हाई डोज 200 पोटेंसी के ले लीजिए, कुछ दिन बाद 30 पोटेंसी या 6 CS फिर से इस्तेमाल कीजिए। तो यह दवा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो लक्षण बताया है उसमें आप निसंकोच दवा का उपयोग कर सकते हैं। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। 2 दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।